हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा जो भी अगर आप लोग अब्रॉड जाना चाहते हो या कनाडा वगैरह जाना चाहते हो तो प्रोसेस क्या होती है अब्रॉड जाने के लिए, इसके बारे में आप लोगों को मैं आज डिटेल्स में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट बता देते हैं आप लोगों को प्रोसेस क्या होती है। देखिए, सबसे पहला प्रोसेस जो है, यही प्रोसेस जो है आप लोगों को बताएगा अगर आप लोग कोई भी कंसल्टेंसी वगैरह को पकड़ते हो, मतलब पेमेंट करते हो और पेमेंट के थ्रू बाकी कंसल्टेंसी वगैरह जो है आप लोग को ये फुल प्रोसेस समझा देंगे अगर आप लोग पेमेंट करते हो। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा होता है कि कंसल्टेंसी का जो पेमेंट होती है, वो फीस जो होती है वो बहुत ज़्यादा होता है। मान के चलिए अराउंड 1 लाख रुपये होता है, तो अराउंड 50 से 1 लाख के आसपास आता है, जो कि बहुत ह्यूज अमाउंट होती है, तो बहुत लोगों के लिए डिफ़िकल्ट पड़ जाता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि खुद करने की कोशिश करते हैं प्रोसेस को। तो इसका प्रोसेस क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले द मेन फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या होती है आप लोगों को करना क्या है, कनाडा जाने के लिए दो एग्ज़ाम्स होती है, एक तो आयल्स होते हैं, एक सेल्फी होते हैं। ठीक है, ये दो एग्ज़ाम होते हैं। ये दोनों एग्ज़ाम में से किसी एक एग्ज़ाम आप लोगों को क्लियर करना होगा, लेकिन क्लियर करने की प्रोसेस ये होती है, अगर आप लोग आयल्स देते हो या सेल्फ हेल्प देते हो तो आयल्स में आपको क्या करना होगा कि 12 में से, नहीं सॉरी, 10 में से आपको लाना होगा 7 स्कोर इन रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ओवरऑल स्कोर चाहिए आपको, हर एक प्रोसेस में इंडिविजुअल स्कोर जो लाना होगा आपको आईएलएस में 7 स्कोर मिनिमम। जब 7 स्कोर होंगे तभी आप लोगों का पीआर जो है प्रोसेस क्लियर हो पाएगी, परमानेंट रेजिडेंस के लिए या इमिग्रेशन प्रोसेस क्लियर होगी। अगर आपने मान लीजिए किसी में ज़्यादा लाए और किसी में कम लाए 7 से, तो आपका प्रोसेस जो है वो रुक जाएंगे। तो सबसे फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है आपको एग्ज़ाम देना। अब जब एग्ज़ाम आपका निकल जाए उसके बाद फर्दर आप लोग प्रोसेस कर सकते हो। बाकी इस वीडियो में आप लोगों को मैं डिटेल्स में बताऊंगा कि क्या क्या प्रोसेसेस होती है। और बहुतों को सेल्फ हेल्प एग्ज़ाम के बारे में पता नहीं है, सेल्फ हेल्प एग्ज़ाम भी एक होता है कनाडा जाने के लिए, या तो आयल्स होते हैं या तो सेल्फ हेल्प होते हैं। और दोनों में क्या होती है, फीस जो होती है अलग अलग होते हैं। जैसे सेल्फ हेल्प एग्ज़ाम होते हैं, इसमें होगा आपका एग्ज़ाम फीस 10,845 INR एक्सक्लूडिंग टैक्स। अगर आप टैक्स वगैरह मिलाया जाए तो ये जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम का फीस आपका आएगा आसपास 15,000। और आईएलएस एग्ज़ाम जो होगा उसका फीस जो है आसपास अभी फ़िलहाल आ रहे हैं 18 से 19 हज़ार रुपये। तो कुल मिला के अगर देखा जाए किस आप लोगों के लिए सेल्फ हेल्प एग्ज़ाम जो है वो ज़्यादा ईजियर पड़ेगा इन कंपैरिजन टू आईएलएस एग्ज़ाम। सो पहले आप लोगों को क्लियर करना होगा आईएलएस एग्ज़ाम या सेल्फ हेल्प एग्ज़ाम विथ अ डिफरेंट फीस ऑफ 50 अराउंड 19,000 एंड अराउंड 15,000। दोनों देके एग्ज़ाम को क्लियर करना होगा। और जैसे मैंने आईएलएस में बता दिया, आप लोगों को 7 पॉइंटर लाना है हर एक रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग में, वैसे ही सेल्फ हेल्प में होता है। लेकिन कंपेरेटिवली अगर देखा जाए, मैं आप लोगों को दूसरा एक वीडियो बनाऊंगा डिटेल्स में आईएलएस के बारे में और सेल्फ हेल्प के बारे में, उसमें सारा चीज़ें डिटेल्स में बताऊंगा कि एग्ज़ाम जो है किस में कितना स्कोर चाहिए और कौन सा इजियर होते हैं आईएलएस और सेल्फ हेल्प में से। और बहुत सारे एग्ज़ाम्स भी होते हैं, जैसे पीटीई होते हैं आजकल, पीटीई दे के भी लोग कनाडा जा सकते हैं या दूसरे कंट्री में जा सकते हैं। तो इनके बारे में भी मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा। ठीक है, बाकी जो प्रोसेस है इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। पहले आप लोगों को आईएलएस क्लियर करना है या सेल्फ हेल्प या पीटी। ठीक है, क्लियर करने के बाद नेक्स्ट स्टेज जो है उसमें आप लोगों को करना ये होगा, या तो आपको, आप अगर बहुत ज़्यादा श्योर हो कि आपका
एग्ज़ाम निकल जाएगा, क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए भी कम से कम आपको प्रिपेयर करना होगा, एटलीस्ट 1 मंथ तो मिनिमम आपको प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं ये एग्ज़ाम, ठीक है। और क्योंकि बाकी तो वैसे लगता है कि इंग्लिश एग्ज़ाम है, कोई भी निकाल सकते हैं, तो निकालने में तो निकाल लेंगे, लेकिन उसमें स्कोर जो है 7 लाना बहुत मतलब मॉडरेट है, इतना ईजियर नहीं होता है। बाकी 4 तो कोई भी ला सकता है, 4 लाने से आपका जो है पीयर प्रोसेस रुक जाएंगे। तो फाइनली जो है पहले तो एग्ज़ाम निकालना है, और जिनका जिन्होंने मतलब अभी तैयारी करके रखा है तो वो IELTS या सेल्फी दे सकते हैं, या तो PTE दे सकते हैं, या तो TOEFL होते हैं, GRE होते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, वो सब एग्ज़ाम्स दे के उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है आपका। साइड बाय साइड जो है आपको करना ये है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ साइड बाय साइड करना क्या है आपको। ECA to WES ये एक स्टेप होता है जिसमें आपका जो है वेरिफिकेशन होता है डिग्री के, जैसे ये देख रहे हैं आप लोग डिग्री वेरिफिकेशन फ्रॉम कैनेडियन अथॉरिटी। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को जो है इस प्रोसेस में जिस यूनिवर्सिटी से आप लोगों ने डिग्री करके रखा है, जैसे मान लीजिए आपने कहीं से भी हो BTU से करके रखा है, VTU से करके रखे हो, या GPTU से करके रखो, कहीं कोई भी यूनिवर्सिटी से अगर आप लोगों ने डिग्री करके रखा हो, तो क्या करना होगा उस यूनिवर्सिटी को फर्स्ट ऑफ ऑल मेल करना होगा, और मेल करके उसको उनको ये लिखना होगा कि आप लोग डायरेक्टली जो है कनाडा गवर्नमेंट को मेरी जो डिग्री है वो प्रोवाइड कर देंगे। तो उसके लिए फ़ीस जो है 250 कैनेडियन डॉलर्स होगा, या तो जो इंडियन फीस में 15,000 रुपये लग जाएंगे। तो उसके बाद IELTS स्कोर जो है वो तो आप लोगों ने आप लोगों को सबसे पहले तो देना ही होगा, IELTS या SELPIP साइड बाय साइड इस जो है आपको डिग्री के लिए वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगी, वीज़ा फाइलिंग। वीज़ा फाइलिंग प्रोसेस जो है उसमें करीब एक लोगों का लग जाएगा अराउंड 850 कैनेडियन डॉलर पर पर्सन, या तो 230 कैनेडियन डॉलर फॉर माइनर, ठीक है। माइनर के लिए कम होते हैं, जो अगर इंडियन में देखा जाए तो 51,000 फॉर वीज़ा फाइलिंग फॉर वन पर्सन, एंड फॉर माइनर इट इज़ 13,900, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में होगा आपका बायोमेट्रिक प्रोसेस। बायोमेट्रिक प्रोसेस में होगा कि 85 कैनेडियन डॉलर लगेगी पर पर्सन, या तो 170 कैनेडियन डॉलर फॉर फैमिली, और पूरा फैमिली के लिए, और साथ में जो है या तो अगर इंडियन करेंसी में देखा जाए 5,000 पर पर्सन, या तो 10,000 फॉर फैमिली, ठीक है। उसके बाद मेडिकल होगी, पुलिस वेरिफिकेशन होगी, सर्टिफिकेट, इनके लिए आपको 6,000 रुपीज़ लगेगी, जो कि ये कंसल्टेंसी फ़ीस लेगा, ठीक है। अगर आप लोग कंसल्टेंसी को करोगे या तो मेडिकल वगैरह कराएंगे, और बाकी उसके बाद जब आपका सारा चीज़ें हो जाएगा, आपका फाइल एक्सेप्ट हो जाएगी, तो पोस्ट लैंडिंग का मतलब है कनाडा पहुँचोगे तो उसके बाद क्या क्या पैसा कितना पैसा लगेगी, अराउंड 515 कैनेडियन डॉलर, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 31,000 जो है पैसा लगेगी। और बाकी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, देखिए अगर मान लीजिए आप लोग कोई भी कंसल्टेंसी को पकड़ लेते हो, तो वो कंसल्टेंसी जो चार्जेस है बहुत ज़्यादा होती है, जैसे मान लीजिए 1,00,000 रुपए लेते हैं, और उसके बाद जो है वो लोग बहुत सारा, और जो प्रोसेस है इसमें जैसे कंसल्टेंसी का और एक चीज़ कुछ चीज़ें जैसे ये प्रोवाइड करेंगे, जैसे हो गया आपका वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज, इसकी प्रोसेसिंग ये प्रोवाइड कर देंगे आप लोगों को, फिर IELTS असिस्टेंट, जैसे IELTS के लिए कोचिंग वगैरह ये लोग प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन करेंगे, आपका केस को स्टडी करेगा, जैसे आप क्या करना होगा, आप लोगों को एक अपना CV जो है या रेज्यूमे आप लोगों को प्रोवाइड कर देना होगा, और रेज्यूमे को स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद कंप्लीट प्रोफाइल जो है आपका बनाएगा, फिर उसके बाद बहुत चीज़ें होते हैं, ये सारे चीज़ें जो है ये लोग जो है कंसल्टेंसी वगैरह आपके लिए कर देगा, नहीं तो आपको खुद करना होगा। और वैसा कुछ है नहीं, फाइलिंग करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो है आपका
जॉब के लिए रजिस्ट्रेशन इन दी जॉब बैंक क्या करेंगे, जो भी कंसल्टेंसी है वो आपका जॉब बैंक में रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसका मतलब है ये जो भी है प्रोसेस ये भी आपका कंसल्टेंसी कर देंगे। बाकी इसका जो भी प्रोसीजर है कि किस तरीके से ये किया जाता है, रजिस्ट्रेशन वगैरह हो चाहे, मतलब ओवरऑल प्रोसेस जो है आपको, आप लोगों को मैं डिटेल्स में दिखा दूंगा करके, क्योंकि मेरे प्रोसेस में भी मैं करूंगा ये सारा चीज़ें, तो आप लोगों को मैं डिटेल्स में दिखा दूंगा सारा प्रोसेस। उसके बाद है बैंक अकाउंट ओपनिंग, असिस्टेंट इन जॉब सर्च बाय रेज्यूमे मार्केटिंग, हाउ टू ट्रांसफ़र द फंड फ्रॉम इंडिया बैंक अकाउंट टू कैनेडियन अकाउंट, इंडिया से कैनेडा में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, फिर एयरपोर्ट पिकअप, सारा चीज़ें यही करेंगे क्योंकि बहुत पैसा लिया जाता है उसके लिए। फिर डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट रिक्वायर्ड एट द एयरपोर्ट, एकोमोडेशन असिस्टेंस, रिलोकेशन ओरिएंटेशन, पीआर कार्ड असिस्टेंस, सोशल इंश्योरेंस नंबर असिस्टेंस, ड्राइविंग लाइसेंस असिस्टेंस, सब में हेल्प करेंगे, ठीक है, हेल्थ कार्ड के लिए। फिर उसके बाद क्रेडिट स्कोर्स, ताकि वहाँ पे लोन वगैरह मिल जाए, ठीक है। बाकी ये लोग दिखा रहे हैं कि वी हैव जीरो रिजेक्शन, बाकी इनका प्रोसेस जो है बहुत ही टफ होता है। रिजेक्शन तो होता ही है, हर जगह अवेलेबल है, ये दिखाने में दिखा देते हैं कि 0% रिजेक्शन है, और बाकी ये दिखाते हैं कि 100% रिफंड प्लस 1.5 लाख रुपये कंपनसेशन बाकी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, आप लोग कंसल्टेंसी में आप लोग पैसा पे करते हो ना, तो थोड़ा तरीके से आप लोग सिलेक्ट करिए, क्योंकि क्या होता है कंसल्टेंसी एक बार पैसा लेने के बाद फिर फ़ोन भी उठाना बंद कर देते हैं वो लोग, फिर रेस्पॉन्स देने बंद कर देते हैं। तो 1.5 लाख कंपनसेशन क्या खाक मिलेंगे आपको, जितना पैसा दिया है अपना वो तो उतना भी मिल जाए बहुत बड़ी बात है, तो ये कुछ मिलना नहीं है। लेकिन जो प्रोसेस है इसका, ये इस तरीके से मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। बाकी आप लोगों को अगर ज़रूरत पड़े तो मैं इसका PDF जो है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि आप लोगों को मिल जाए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर और किस में कितना टाइम लगता है। जैसे केस स्टडी जो है ये 15 दिन कंसल्टेंसी करेंगे, जो कि आप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फाइल प्रिपरेशन, डॉक्यूमेंटेशन, फॉर्म सबमिशन, फिर उसके बाद है ये सारा चीज़ें में क्या कितना लगेगी। फिर एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन फॉर PNP 6 मंथ्स लगेगी। फिर जॉब बैंक में ये रजिस्ट्रेशन करेंगे जिसके लिए 4 महीने लगेगी, फिर उसके बाद 5 महीने एक्स्ट्रा लगे, तो कुल मिला के आप लोग देख सकते हैं कि कम से कम 11 महीने जो है वो प्रोसेसिंग में लग जाएंगे। मतलब 1 साल लग जाता है सिर्फ प्रोसेसिंग में, उसके बाद नेक्स्ट साल ही आप लोग अपने लोकेशन पे लैंड कर सकते हो। और उसमें भी एक क्राइटेरिया ये है, जैसे आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, देखिए कितना पैसा आप लोगों के अकाउंट में होना चाहिए इन ऑर्डर टू मूव परमानेंटली अब्रॉड या वीज़ा मिलने के लिए। 7.5 लाख रुपया मिलना चाहिए, और जो आपका डिपेंडेंट है जैसे स्पाउस हो गया या वाइफ हो गई, उनके अकाउंट में 1.5 लाख रुपया होना चाहिए, कुल मिला के 9 लाख रुपया होना चाहिए। या इसमें भी लिखा है 8,02,523 रुपया होना चाहिए, या तो इतना कैनेडियन डॉलर होना चाहिए आपके अकाउंट में होना चाहिए, ताकि क्या है आपको मान लीजिए कोई जॉब वगैरह नहीं मिले वहाँ पे PR मिलने के बाद, क्योंकि जो PR मिलता है कनाडा के लिए वो 5 साल के लिए होते हैं, 4-5 years होते हैं। तो 5 साल के लिए जब मिलता है, फिर वैसे तो सबको जॉब मिल ही जाता है, लेकिन मान लीजिए नहीं मिलता है तो इतना पैसा होना चाहिए ताकि आप सर्वाइव वहाँ पे कर पाए। और बाकी वहाँ पे एक फैसिलिटी ये है कि गवर्नमेंट जो है कनाडा के जॉबलेस को 1200 कैनेडियन डॉलर देते हैं, और मतलब दोनों को ही, हस्बैंड को भी 1200 और वाइफ को भी 1200, तो कुल मिला के आपका मान लीजिए 2400 या 2500 कैनेडियन डॉलर मिलता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली इंडियन में अगर काउंट किया जाए तो 1.5 लाख रुपया मिलता है फॉर सर्वाइवल, ठीक है। और वहाँ पे बाकी पढ़ाने के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट है चिल्ड्रेंस के लिए अप टू 18 ईयर्स, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो उसके लिए कोई मतलब नहीं है, सबके लिए फ्री है अप टू 18 ईयर्स। और बाकी यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं इन डिटेल्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्या क्या चार्जेस लगेगी। ये है आपका जो है वेरिफिकेशन के लिए, आपकी जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन डिग्री वेरिफिकेशन के लिए 15,000, सेल्फ के लिए एग्ज़ाम के लिए 20,000 मान लीजिए, फिर वीज़ा प्रोसेस, फिर आपको वीज़ा फ़ीस लगेगी, वीज़ा फ़ीस के बाद वीज़ा फाइलिंग के लिए 50,000,
बायोमेट्रिक के लिए 5,000, लैंडिंग फ़ीस लगेगी 30,000, इतना फीसेस लगेगी। और बाकी जो एक्स्ट्रा है जैसे फ़्लाइट टिकट्स, ये एक्स्ट्रा है, आप मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं हूँ वो कैलकुलेट करके, ठीक है। तो कुल मिला के इतना पैसा आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, और साथ में कितने महीने लगते हैं या कितने टाइम लगते हैं प्रोसेसिंग के लिए, ये भी मैंने आप लोगों को डिटेल्स में बता दिया। बाकी जो जो प्रोसेसेस है ये भी आप लोगों को डिटेल्स में यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। और बाकी मैं नेक्स्ट आप लोगों को और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को मैं डिटेल्स में आईएलएस एग्ज़ाम या सेल्पीप एग्ज़ाम या तो पीटी एग्ज़ाम या तो टॉफेल एग्ज़ाम, जीआरई एग्ज़ाम, सबके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा, और कौन सी एग्ज़ाम देके कौन सी देश में आप लोग जा सकते हो आसानी से, और कौन सा कंट्री आपको पीआर देंगे, प्रोवाइड करेंगे इजीली, प्रोसेस क्या है, सबके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है। बाकी यही था आज के वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।